हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। प्रेपराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पेपर है ये फॉर द पटवारीज जो बनने वाले हैं उनके लिए है कि ये जो पेपर है आपका पेपर 17 से है, तो थोड़े दिन हम जो हैं दो दिन इनके लिए जो पुराने पेपर हैं, आई होप कि आपने पहले ही सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किए होंगे, तो उन लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें जीके के साथ आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, आप ही की डिमांड में इंग्लिश सेक्शन भी मैंने थोड़ा बहुत लिया है। और इस वीडियो को पूरा देखना, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से लेटेस्ट अपडेट्स भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपका करंट अफेयर्स भी जोड़ूंगी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि पीछे 12 नवंबर को HP के TAT पेपर्स चल रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो है GK सेक्शन क्या आया है, आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस जो हम डील कर रहे हैं वो पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस पे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर कोई सेक्शन रह जाता है तो आज से लेकर 16 तक आपको ये मॉक टेस्ट जो है फॉर द पटवारीज, वो भी, और जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल टेस्ट होगा, पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है, और इसके लिए आपको 10 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस। मैं इसमें जहाँ पे आप मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशंस दूंगी, क्योंकि हम कई क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। और 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज कि 10 सेकेंड्स होंगे और आप अपने कमेंट सेक्शन पे ऑप्शंस लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, वेयर वर पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। पंजाब हिल एरियाज जो हैं हिमाचल प्रदेश के, कब मर्ज हुए थे? तो वो आपके पास डेट्स हैं। राइट ऑप्शन इज 1 नवंबर 1966, और ये हम कई बार कर चुके हैं। एक चीज और याद रख लीजिए, HP कब बना था? 15 अप्रैल। ये अगेन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, HP प्रांत कब बना था? 15 अप्रैल 1948। और 25 जैन को क्या बना था आपका? 1971 में आपका स्टेटहुड बना था। कौन सी स्टेट? 18th स्टेट, ये जरूर याद रखना, ठीक है? और जब ये बना था 1948 में, तो ये किसके अंडर था? ये था चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर, ये भी हमने किया हुआ है। और पहले कौन थे? NC मेहता, 48 से लेकर आपका 50 तक कौन थे आपके? NC मेहता, देन इसके बाद EP मून। तो ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, भुंडा फेस्टिवल किसके साथ है? पहली चीज, इस क्वेश्चन को इस वजह से भी आ सकता है कि भुंडा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अपर एरियाज ऑफ शिमला, आउटर सिरेज ऑफ कुल्लू और मनाली में। भुंडा फेस्टिवल है किससे रिलेटेड? आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, परशुराम, लोमाश ऋषि, बुद्धा, महासु देवता। और ये जो है भुंडा फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट? यस, द राइट ऑप्शन इज ए, परशुराम। और परशुराम क्या थे? 6th इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, 2nd सन ऑफ रेणुका एंड जमादग्नी। दूसरा, इसको हम इससे भी याद करते हैं, बहुत बार हमने ये चीज़ें रिवाइज की हैं, निर्मंड कुल्लू। और इनके बेसिस पे अभी जो है रेणुका फेयर भी चलेगा, कब? परशुराम जब आपके मिलने जाते हैं रेणुका से, तो ये एक रेणुका फेयर लगता है। कहाँ पे लगता है? सिरमौर में। सिरमौर की कौन सी जगह? नाहन में। तो ये याद रखना, ठीक है? लोमाश ऋषि किसके साथ हैं? रिवाल्सर के साथ। महासु देवता और बुद्धा हो नहीं सकते, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बची? परशुराम। नेक्स्ट देखते हैं, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी माउंटेन रेंज अलग करती है? तो पहली चीज, तिब्बत जो है ये हाई माउंटेन्स रीजन है, तो इसमें आपके जो हैं कौन कौन से सेक्शंस है? धौलाधार, पीर पंजाल, हिंदू कुश और झांसकर। तो ये जो एरियाज हैं ये किसके अंदर पड़ते हैं आपके, किसके अंदर आएगा कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन अलग करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 सेकेंड स्टूडेंट्स, स्टॉप। आंसर इज झांसकर। पहले है कहाँ पे ये है? लद्दाख में।
यूनियन, अब क्या है लद्दाख, पहली चीज यही देख लो, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगर हम झांसकर की बात करें, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है कैमेट पीक, जो झांसकर की है। लेकिन अगर हम हिमाचल में झांसकर रेंज की बात करें, तो हिमाचल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिला। ये हम कर चुके हैं, कहाँ पे है, किन्नौर में। तो ये किसका पार्ट है आपका झांसकर, ग्रेटर हिमालयस का। और ग्रेटर हिमालयस की हाइट कितनी होती है, 4500 से लेकर आपका 7500 मीटर्स तक। तो इसकी हाइट जो है वो नियर अबाउट 73 के आसपास इसकी हाइट है, कहीं पे 7135 दी गई है तो हाइट। अब आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, धौलाधार को हम क्या बोलते हैं, धौलाधार इज वाइटिश ग्रे, ऐसे भी नाम आते हैं इसके, वाइट ग्रेइश होते हैं। दूसरा इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, मौलक पर्वत, सॉरी मानक पर मौलक पर्वत, मौलक पर्वत, ठीक है। पीर पंजाल और जो आपकी धौलाधार है, ये किसकी आती हैं, किसके अंडर आती हैं, शिवालिक हिल्स के अंदर, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है, 1500 से लेकर 4500 मीटर तक। और शिवालिक को हम क्या बोलते हैं, ट्रेसेस ऑफ, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेसेस ऑफ शिवा का मतलब क्या है, इट्स शिवालिक हिल्स। और एक और चीज, इसका इस कई बार ऐसे भी बोला, शिवालिक को क्या बोलते हैं, मानक पर्वत। मानक पर्वत किसे कहा जाता है, वो है आपकी शिवालिक हिल्स। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद हिंदू कुश कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्रीज पे, हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। तो आई थिंक ये आपका आ गया आउट ऑफ। तो झांसकर कहाँ पड़ता है आपका, है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, लेकिन झांसकर की जो रेंज है ग्रेटर हिमालयस की, वो कहाँ पे पड़ी है आपकी, जो आपके शिमला या हिमाचल में, उसको क्या है, शिला। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द कमांडर ऑफ गोरखा आर्मी, गोरखा आर्मी का कमांडर कौन था जिसने हिमाचल पे पहली बार अटैक किया था, तो कौन था, भक्ति थापा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरंग या तेज बहादुर। तो ये तो सबको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी अमर सिंह थापा। नेक्स्ट देखते हैं, इन पहली चीज इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इन 1809 द ज्वालामुखी ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन, पहला की क्वेश्चन, ये पेपर है पटवारी 2016 का, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने ये पेपर पहले से पढ़ लिया, पर इस जस्ट अ रिवीजन। तो आप अब देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, और जिन्होंने पढ़ा भी है तो उनके लिए एक रिवीजन है, क्या पता आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाए। तो 1809 में क्या हुआ, कौन सी ट्रीटी हुई थी, पहले तो यही तीन क्वेश्चन बन गए, वो क्या बने आपके, ज्वालामुखी ट्रीटी। अब ये किसके बीच में हुई थी, ज्वालामुखी संधि जो है वो किसके बीच में हुई थी, गोरखाज और सिख के बीच में नहीं हुई थी, सिख और ब्रिटिश के बीच में नहीं हुई थी, राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। तो कौन बचा आपके पास, संसार चंद एंड राजा रणजीत सिंह, इनके बीच में हुई थी आपकी। और इसमें क्या कहा था, संसार चंद ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की थी, ज्वालामुखी ट्रीटी, जिसमें उन्होंने कहा था अगर आप मुझे जो है असेसिंग बचा लेंगे तो जितना भी एरिया है ज्वालामुखी या कांगड़ा का, वो आधा पार्ट जो है वो राजा रणजीत सिंह को दे दिया जाएगा। तो संसार चंद एंड राजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब इस क्वेश्चन को देखो, कल था HP टैट का पेपर मेडिकल का, जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कल के पेपर में, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज कर दी गई। उसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है हिमाचल की जगह उसको, जो गवर्न्ड बाय पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कल के पेपर में आया है। तो अभी क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो, इसमें पूछा गया सबसे पुराना, बनेर हो नहीं सकता, किसमें है ये, कांगड़ा, तो ये नहीं है, भाखड़ा नहीं है, थिरोट नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बनेर खर्च से जो बनेर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, कांगड़ा में है, भाखड़ा बिलासपुर, आपका थिरोट लाहौल, तो ये तो है नहीं। बचा कौन सा, सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है शानन प्रोजेक्ट, कहाँ पे है, जोगिंदर नगर पे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये बनाया किसने है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया, पर कहाँ पे है, HP में है, ठीक है। किस नदी पे है, ब्यास पे है, उल रिवर जो है उस पे बना है, लेकिन 99 इयर्स के बाद
ये 2024 में हिमाचल के अंदर आएगा। तो कई बार आपको मैंने अभी बताया कि एचपी टैट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर है, तो वो कौन सा है आपका? शानन, क्योंकि अभी तक है फिजिकली ये हिमाचल का, लेकिन इसको देख कौन रहा है? पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कब बना था? आई थिंक 1934 के आसपास बना था। तो ये जो है आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, झांझर इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये क्वेश्चन भी आपका कल के पेपर में आया हुआ है, एचपी टैट जीके के पेपर में, मेडिकल। ये कल ही आया है और ये क्वेश्चन जो है, झांझर किससे है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो झांझर जो है फेमस डांस किस डिस्ट्रिक्ट का है? वो है चंबा का। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। कांगड़ा का हम झमाकड़ा लेते हैं, कुल्लू की नाटी, ठीक है, मंडी का भी आप नाटी ले सकते हो, कुछ भी। तो ये सारे डांस जो हैं, लेकिन झांझर कहाँ का है? झांकी और झांझर जो हैं वो कहाँ के? एक और नाम आता है झांकी, ये कहाँ के हैं? दोनों चंबा के फेमस डांस हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फॉर राज्यसभा। सेम क्वेश्चन ये भी पूछा गया है राज्यसभा से, ये भी कल के पेपर में आया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, कई आपको इस तरह के क्वेश्चंस हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो टैट के पेपर मैंने, मुझे नहीं पता कि वो डालेंगे, लेकिन क्वेश्चंस वही हैं, हमने कई क्वेश्चंस को डील किया है उसमें। तो एचपी टैट में पूछा गया है कल के पेपर मेडिकल के 2019 का, कब? 12 नवंबर को जो हुआ है, उसमें पूछा गया है कि राज्यसभा की ड्यूरेशन, यानी राज्यसभा की जो कितने साल तक वो काम करती है, उसकी अवधि पूछी गई है, तो वो कितनी है? 6 ईयर्स, ये पता है। अब इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, तो आई होप कि हमने किया हुआ है 2, 3, 6 और 4, तो राइट ऑप्शन क्या है? 3। अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा पूछा होता तो क्या होना था? 4। कई बार ऐसे पूछा टोटल सीट्स कितनी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कितनी है आपकी? 7। 4 प्लस 3, 4 फ्रॉम लोकसभा, 3 फ्रॉम राज्यसभा, ये मिलाकर कितनी होगी? 7 सीट। अब जो आपके राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं 3, उनके नाम लिख लीजिए। एक है विप्लव ठाकुर, ठीक है, ये हैं। एक है आपके आनंद शर्मा, आनंद शर्मा, और एक है जेपी नड्डा। इनका रिटायरमेंट पीरियड है 2022, इनका है 2020 और इनका है 2024 में, इनका ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या याद करना है? पहली चीज़, राज्यसभा की ड्यूरेशन एज कितनी होती है? 30 ईयर्स। कितनी से? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो 250 सीट्स हैं, लेकिन अगर आज की प्रेजेंट सिचुएशन पे देखें तो कितनी सीट्स हैं? 245, जिसमें से कितनी है? 233 प्लस 12, 12 इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और अगर इससे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन है? जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मिस्टर वेंकैया नायडू, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आजकल चल रहा है स्मार्ट मिशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किस सिटी को जो है वो स्मार्ट सिटी बोला गया है? तो स्मार्ट सिटी किसको बोला गया है? वो है आपकी धर्मशाला। लेकिन अब रीसेंट ट्रेंड्स पे धर्मशाला इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सेकंड जो आ रही है अब शिमला को भी, सेकंड शिमला इज डिक्लेयर्ड एज सेकंड स्मॉल स्मार्ट सिटी, ये भी बन गई है कि जो आपकी शिमला है। कई बार आपसे ये भी पूछा है विच इज द सेकेंड स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिज शिमला, ये है आपकी सेकेंड। लेकिन फर्स्ट रैंक पे क्या आ रही है आपकी? धर्मशाला। तो आई होप आपका ये यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु लेड सुकेत सत्याग्रह इन 18। पहला दो क्वेश्चंस देखो, या आपसे ये पूछा जा सकता है सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। कई बार आपको डेट दे दी जाएगी, उसमें कौन सा सत्याग्रह हुआ था, वो था आपका सुकेत सत्याग्रह। किसके उस पर हुआ था? तो ये हुआ था पदम
पंडित पदम देव के बेसिस पे। भागमल सहोता को अगर आपने याद करना है तो इसको हम याद कर सकते हैं धामी फायरिंग से, ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। कब हुई थी? 16 जुलाई 1939 में, ठीक है, धामी फायरिंग, इसको भी कर लो। किसके अंडर, कौन था इसका जो लीडर था, जिसने लीड किया था, वो था भागमल सहोता। तो इसका रिलेटेड ये जो है धामी फायरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड द डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हो सकता है ये आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स फ्लो इन टू बे ऑफ बंगाल, कौन सी ऐसी रिवर्स हैं इनमें से जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो कौन सी है स्टूडेंट्स? स्टॉप, अब हम देखते हैं ऑप्शंस। देखो डी से चलते हैं, नर्मदा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र तो गिरती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल पर नर्मदा कहाँ गिरती है? अरेबियन, ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये गिरेगी आपकी अरेबियन सी में, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एंड गोदावरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, है किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गंगा की। तब ताप्ती जो है या तपी जो है वो कहाँ पे है? वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर ये बनती किस उससे है? रिफ्ट वैली से। ये क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। ताप्ती, नर्मदा, ये कहाँ पे गिरती हैं? ये जो आपकी गिरती हैं आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये उस पर गिर रही हैं आपकी अरेबियन सी में। कृष्णा एंड गोदावरी ये गिरती हैं, तो इसमें देख लो आप ये और ये इसका भी हम देख लें बी में, नर्मदा। तो ये तीनों जो ऑप्शंस है इसमें दो तो ठीक हैं बे ऑफ बंगाल, जो तीसरी नदी है वो ऑपोजिट जा रही है, तो इसका मतलब हमारी बी सी डी नहीं हो सकता। इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में कौन सी गिरती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड गोदावरी, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? कई बार आपसे यही पूछ लेंगे, इस क्वेश्चन को भी भूलना मत कि कई बार आपसे पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दी जाएंगी कौन सी नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है या कौन सी नदी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नर्मदा जो है आपकी, नर्मदा एंड तपी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्वेश्चन है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डाइजेशन तभी होगी जब खाना बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो खाना बॉडी के अंदर कहाँ से जाएगा? फूड पाइप से तो जाएगा नहीं कि सीधे फूड पाइप पे फिक्स कर दिया, नहीं। तो फूड पाइप, यूसोफेगस इज फूड पाइप, और यहाँ पे खाना किससे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इट्स अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो है खाना जो है, अगर हम इसको सिंपल वे से, इट्स द ज़िगज़ैग मूवमेंट ऑफ फूड टू पास फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो ईसोफेगस में सीधा खाना नहीं जाता, इसका मतलब कोई पार्ट है जो पहले खाना को लेता है, तो ये नहीं हो सकता। ड्यूडेनम, ये पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ड्यूडेनम के साथ एक और पार्ट होता है जेजुनम और ईलियम, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। ये किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्टमक, स्टमक में खाना 3-4 घंटे रहता है, और स्टमक जो है इसका मतलब खाना माउथ से सबसे ज्यादा टाइम पे कहाँ रहता है? स्टमक में, जहां पे डाइजेशन होती है प्रॉपर। तो स्टमक नहीं होगा, इसका मतलब सबसे पहली चीज है खाने की शुरुआत, डाइजेशन की शुरुआत किस पार्ट से होती है? मुंह में खाना जाएगा, देन हमारा खाना जो है फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस के थ्रू इट विल एक्सक्रीट आउट। लेकिन जो आपका ओरल कैविटी है वो क्या है? आपकी माउथ, जिसको बोलते हैं ओरल कैविटी, मतलब अगर हम इसको समझें ना, तो जो ये आपकी एम्प्टी स्पेस है माउथ का, टीथ और टंग, ये दो पार्ट्स होते हैं माउथ के अंदर, टीथ एंड टंग। टंग का फंक्शन क्या होता है? जीभ का फंक्शन क्या होता है? टेस्ट बड्स, टेस्ट बताना, मीठा है, खट्टा है, बिटर है, जो भी है। और टीथ जो है खाने को काटते हैं, टीयर करते हैं, एंड देन ग्राइंड एंड देन स्वेलो। टंग एंड टीथ जो है वो खाने को, लेकिन काटने से लेकर उसको टेस्ट बताने के बाद, जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, उसको एक जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया उसकी जो डाइजेशन है वो कहाँ पे शुरू होती है? कई बार आपको सीधे दे देंगे माउथ, तो माउथ, माउथ का जो पार्ट है आपका उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर कई बार आपसे टीथ पूछ लें, तो इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स होते हैं कटिंग, केनाइंस होते हैं टियरिंग,
आपके प्री मोलर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके ग्राइंडिंग, और उसके बाद जो आपके मोलर्स होते हैं ग्राइंडिंग एंड स्वेलिंग स्वेलिंग ठीक है। अब आपके पास ये लेयर्स दी गई हैं, इसको इन लेयर्स को एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स को आपने अरेंज करना है इन द फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी नीचे, जैसे ये आपका ये है यहाँ से ऊपर, तो पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर को बोलते हैं मीजोस्फेयर एंड फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर। इसके ऊपर चले जाओ तो मैग्नेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को कई बार हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर जिस लेयर में हम रहते हैं ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं, जहाँ पे फ्लाइंग होती है, जो आपके जितनी भी फ्लाइंग्स हैं वो 10 टू 12 किलोमीटर के बीच में, जितनी भी फ्लाइंग्स आपकी एरोप्लेन्स जो हैं वो 10 टू 12 किलोमीटर की रेंज में उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज बेसिकली फॉर ओजोन ठीक है, ये कितनी होती है 12 टू 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका काम क्या है, यूवी रेज को प्रोटेक्ट करना, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना ठीक है। मीजोस्फेयर, इन दोनों लेयर्स का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, किस लेयर्स का टेम्परेचर कम होता है, इसका और इसका, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का जो होता है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करोगे, सबसे पहले यहीं पे देख लो, तो पहला दूसरा ट्रोपोस्फेयर, देन आपका क्या आता है, सॉरी ट्रोपोस ये नहीं होगा, ये है आपका, एक सेकेंड यहीं पे कर देते हैं ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं बना रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ओजोन 12 टू 50 किलोमीटर्स राइट। उसमें अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर डिक्रीज किस में होता है, इसमें और इसमें, आपके पास क्या है, तो सबसे पहले आएगा टू, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर एंड देन फोर्थ, तो सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट। और मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर में जेट एयरक्राफ्ट जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, और इसका टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसमें ओजोन लेयर है ठीक है। कई बार आपको ओजोन का फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, O3। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द मैमल्स, मैमल्स होते क्या हैं, मैमल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन लेट टू विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस ठीक है, आइदर फ्रॉम एग्स आइदर फ्रॉम न्यू बेबीज, तो ये दो तरह के होते हैं, ओवीपैरस एंड वीवीपैरस। तो उस बेसिस पे अगर हम मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक उनकी बॉडी में हेयर होते हैं तो ये भी सही है, सम कुछ ले जो एग्स ले करते हैं उनको हम बोलते हैं ओवीपैरस ठीक है, ओवीपैरस आपके मैमल्स। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, सम आर एक्वेटिक, ऑब्वियसली जो आपकी ब्लू वेल है वो एक्वेटिक है, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो गलत कौन सा है, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, फोर चैम्बर्ड होता है, तो फोर चैम्बर्ड में कितने हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल जो कि आपका अपर चैम्बर है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका लोअर चैम्बर है, मतलब आपका अपर चैम्बर आपका अगर हार्ट है तो ये ऊपर वाला पार्ट अपर एंड लोअर, अपर में जो है ऑरिकल्स होती हैं, लोअर में आपकी वेंट्रिकल्स होती हैं, लेकिन राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो चार चैम्बर हो गए, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट कौन सी गलत है, ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मेटल है या कौन सी धातु है जो हम मोबाइल की बैटरीज में यानी फोन बैटरीज में यूज करते हैं, कॉपर, जिंक, निकल एंड लिथियम, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है डी। देखो, एक है, आपने सुना होगा कि अभी हमें जो है लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज के बेसिस पर नोबेल प्राइज भी मिला है साइंटिस्ट को, वैसे ही जो आपके लिथियम है, लिथियम एक और है जो बेस्ट वन है वो है सिल्वर जिंक, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली इसीलिए ये यूज़ नहीं हो रही, तो लिथियम जो है इसको बोलते हैं लिथियम, कौन सी बैटरीज जो है जो काफ़ी टाइम तक स्टे करती है, वो है हमारी लिथियम आयन बैटरीज ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, मतलब रस्टिंग को ख़त्म करने के लिए जो गैल्वेनाइजेशन होती है आयरन की, उसके लिए हम क्या कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, जिंक, और कॉपर जो है दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं,
इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से आपको कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा या पेंट ब्रश? तो राइट ऑप्शन देखो ये सारी हैं, ठीक है, इसमें और भी आ सकती हैं, फोर्ट्रेन भी है, कोबॉल भी है, ठीक है, ये सारी हैं, तो इसका मतलब ए बी सी तो सही है, कौन सी नहीं है वो है पेंट ब्रश। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी सिटी है जिसका पोर्ट था, यानी बंदरगाह बतानी है। तो पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई थी, 1700 BC में, इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रॉन्ज एज, ये भी पढ़ा था, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये बोलते हैं। और उसके बाद ब्रॉन्ज है क्या, कॉपर एंड टिन। उसके बाद दो सिटीज निकाली गई थी, ये निकाली गई थी 1921 में, ये निकाली गई थी 1922 में। 1922 में निकाली गई है आरडी बनर्जी ने और ये है मोहनजोदड़ो। 1921 में निकाली है दिलीप साहनी ने हड़प्पा। मोहनजोदड़ो को मोल्ड ऑफ डेड भी बोला जाता है, ठीक है, ये है। लोथल जो है इट्स द, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, लोथल। एक और है सुर्ख सुरकोतदा, ये भी एक पोर्टल पोर्ट सिटी है हड़प्पन कल्चर की। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब पूर्ण स्वराज जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब अनाउंस किया गया था, किस सेशन में अनाउंस किया गया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन लगते थे, सेशंस लगते थे, वो कहाँ किस सेशन में बोला गया था, वो बोला गया था आपके लाहौर सेशन में। कब बोला गया था, लाहौर सेशन में, कब बोला था ये, दिसंबर 1929, आई थिंक इट्स 18 दिसंबर 1929। उसके बाद इसमें जो है कि भाई अब हमें जो है पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ये कब सेशन, किस सेशन में बोला गया है, लाहौर। एक और चीज़, इस सेशन में जो है एक और चीज़ हुई थी कि 31 दिसंबर 1929 को फ्लैग रेज कर दिया गया था फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 13 दिसंबर 1921 को कंप्लीट फ्लैग से रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि अब हमें जो है वो इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी। और इसका जो सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था या जिसने सबसे पहले ये कंप्लीट रेजोल्यूशन मांगा था वो थे झंडा लहराकर भगत सिंह। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, एक और चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन आया कल HP TAT मेडिकल 2019 का जो कल पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा नेशनल फ्लैग कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो किया गया था 22 जुलाई 1947 में इस फ्लैग को दिया गया था। और ऑफिशियली कब आया है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ऑफिशियली जो आया है वो आया है 15 अगस्त 1947। मार्क दिस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज के कल के HP TAT 12 नवंबर को जो हुआ है कल का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और आप जो आपका ये था 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली जो है आपका फ्लैग जो है वो रेज कर दिया गया था। एक और, ये बनाया किसने है, कई बार ये हु डिजाइंड इट, पिंगाली वेंकैया, इसने बनाया वेंकैया, ठीक है, इसने बनाया इट्स द ट्राई कलर्स। तो ट्राई कलर्स सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, तीन रंग कौन से हैं आपका, सेफ्रन वाइट एंड जो है आपका ग्रीन, सेफ्रन वाइट एंड ग्रीन जो है ये तीन कलर्स हैं हमारे तिरंगे के। और जो ब्लू है दैट इज़ फॉर अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स हैं और हर 24 स्पोक्स जो हैं वो आइडियलिज्म के बारे में बताती है, क्वालिटीज़ के बारे में बताती है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीलेंट इन स्पोर्ट्स कोचिंग, कोचिंग के लिए किसको अवार्ड दिया जाता है। तो कोच क्या होता है, गुरु। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो इसमें गुरु किसको डिनोट किया जा रहा है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है और जिन्होंने जिनकी तो बहुत अच्छी तैयारी है उनके लिए तो ये बहुत इजी पेपर होगा। तो द्रोणाचार्य, साहित्य अकेडमी अवार्ड, अर्जुना अवार्ड या दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, तो राइट ऑप्शन इज गुरु है। तो गुरु कौन थे जिन्होंने
हमें जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी आर्करी की, ठीक है, उसी के बेस में कोच कौन थे, तो द्रोणाचार्य। तो राइट ऑप्शन इज ए, द्रोणाचार्य अवार्ड। और अभी हमने पढ़ा था रणबीर खोखर, संदीप गुप्ता, मेजबान पटेल, इन सबको जो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड में आपके अजय ठाकुर, ठीक है। साहित्य जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो मिलता किसके लिए, इज फॉर स्पोर्ट्स, जिसने बहुत अच्छी जिसको बोलते हैं प्रेजेंस दी है स्पोर्ट्स के लिए, वो है आपका अर्जुन अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड, इसको दादा साहिब को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और अभी जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है वो मिला है अमिताभ बच्चन। हो सकता है आपको पेपर में यही आ जाए, अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड मिला है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये जरूर याद रखना, अजय ठाकुर जिसको हिमाचल से अर्जुन अवार्ड मिला है। अब आपका आता है, ये आपका स्टूडेंट्स आपकी डिमांड पे पेपर से ही उठाया है इंग्लिश सेक्शन, आई होप कि आपको अच्छा लगे। देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, आपके पास ऑप्शंस है, फ्यूअर, लेस, मैनी, लेसर। तो क्या हो सकता है कि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है कि देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड। सिंपल सा अगर इसको एक्सप्लेन करना है कि अगर जैसे हम लोग आपको वीडियोस दे रहे हैं, अगर हम अपनी तरफ से अच्छा दे रहे हैं तो हम ये तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये वीडियो हमने दिया अपनी तरफ से पूरी मेहनत से दिया, तो हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमारी जो व्यूअर्स की व्यूज़ हैं वो कैसे आते हैं, इट मीन्स कि क्या है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, कई बार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कई बार बिलो एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे है कि देयर वर डैश, अब देखो ऑप्शंस हैं फ्यूअर, लेस, मैनी, लेसर, बहुत सारे नहीं हो सकते, देयर वर व्यूअर जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे कैसे आए हैं, लेसर नहीं हो सकता, मैनी नहीं हो सकता, लेस भी नहीं हो सकता। पहली चीज़, लेस और फ्यूअर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ्यूअर क्यों आया है, यहाँ पे लेसर क्यों नहीं आया या लेस क्यों नहीं आया। देखो फ्यूअर इज काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लेसर है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितना कम है, कितना डालें, कितना कम करें, उसको हम बोलते हैं लेस। लेस इज बेसिकली विच कैन नॉट बी काउंटेड, एंड फ्यूअर मीन्स विच कैन बी काउंटेड। और लेसर जो होता है ये बेसिकली एट्रीब्यूट के लिए होता है, और मैनी आपको पता है कि बहुत सारा। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, देयर वर फ्यूअर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब काउंटेबल हैं, ठीक है, कितना काउंट कर रहे हैं कि इतने आ रहे हैं इतने। और जैसे डिस्टेंस नापना है, कोई चीज़ नापनी है, तब हम लेस क्वांटिटी, जैसे मिल्क की मेजरमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स के लिए हम लेस यूज़ करते हैं। जस्ट टू काउंट, काउंटेबल वी कैन यूज़ फ्यूअर, ये याद रखना, लेस कहाँ पे यूज़ होता है और फ्यूअर कहाँ पे। काउंटेड टर्म्स के लिए हमेशा फ्यूअर यूज़ होता है, और लेस के लिए जो है वो विच कैन नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, आपके पास ऑप्शन है दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। क्यों आया है दिस, क्यों आया है दोज, क्यों आया है दैट, इसमें से क्या आएगा। कैन यू ब्रिंग मी, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे को वहाँ से कोई बुक्स ला दो, क्या कोई रिक्वेस्ट कि क्या तुम मेरे लिए डैश बुक्स ला सकते हो। एक चीज़, दिस बुक, दिस और दीज, ये जो वर्ड है दैट इज़ फॉर नियर बाय, मतलब वो बता रहा है कि ये बुक जो है यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से पकड़ा दे। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस एंड दीज। दैट एंड दोज आर यूज विच आर फार्दर अवे फ्रॉम, हमें जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको ये नहीं बता सकते बुक्स कहाँ पे पड़ी है, वो काफ़ी दूर है, वो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हमारे जो हमारे लिए वहाँ से बुक्स ला दो, मतलब वो काफ़ी दूर है। तो जो चीज़ दूर होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट और दोज। यहाँ पे कैन यू ब्रिंग मी, अब बुक्स हैं तो बुक्स के साथ जो है प्लूरल लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोज, डी, ठीक है। कैन यू ब्रिंग मी दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बियरली सफिशिएंट डैश 12 पीपल्स टू द एकर, मतलब जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड मतलब सॉइल की उपजाऊ, अगर हमें उसको मतलब उस भूमि की काफ़ी उपजाऊ बनाना है,
इतना उपजाऊ बनाना है कि उसको जो है उसके लिए 12 पीपल टू द एकड़, हर एकड़ में 12 पीपल होने चाहिए. क्या करने के लिए? फर्टिलिटी को रिवाइव करने के लिए, सस्टेन बचाने के लिए, या उसकी हेल्प करने के लिए. तो ऑब्वियसली अगर हम लैंड पे 12 लोग लगा देते हैं, तो 12 लोग लगाने का मतलब है कि फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, हम रिवाइव नहीं कर सकते. फर्टिलिटी को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 12 लोगों को लगा देते हैं. तो यहाँ पे आएगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बेयरली सफिशिएंट टू रेज, कि अगर हम 12 लोग हर एक एकड़ पे लगा देंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रेज हो जाएगी. सो बी इज द राइट ऑप्शन. डैश, व्हाट मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल. आपको क्या चीज, किसी का एटीट्यूड बताना है, वेदर इट इज नेगेटिव वेदर इट इज पॉजिटिव. हमें उसकी अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या चीज रखती है, उसका एटीट्यूड. तो अगर उसने अच्छा एटीट्यूड दिया तो आप उससे बात करोगे, अगर उसने अच्छा एटीट्यूड नहीं दिया तो आप उससे बात नहीं करोगे. इसका मतलब उसका एटीट्यूड आपके लिए कुछ मायने रखता है. मायने रखना मीन्स इम्पीचेस तो हो ही नहीं सकता, ये कैंसर, ट्रबल, कष्ट नहीं दे सकता, बता रहा है वो भी नहीं, कुछ मायने रखना, मैटर्स. तो वर्ड क्या आएगा, सी, व्हाट मैटर मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल. आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस जो है इंग्लिश की वो समझ आ रही होंगी. नेक्स्ट, द इंसिडेंट हैज सिवियर डैमेज टू द डैश ऑफ द एम्प्लॉयज. जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, या वो बता रहा है कि ये इंसिडेंट जो है आने वाले टाइम पे कुछ कर सकता है, उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, कुछ कारण है, तो उसमें क्या आएगा, रिजल्टेड नहीं आएगा, ऑप्टिमिज्म नहीं है, प्रोड्यूस्ड कंडक्ट नहीं है, लेड इमोशंस नहीं है. तो इसका क्या आएगा, द इंसिडेंट हैज कॉज सिवियर डैमेज टू द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. मतलब ये जो घटना है वो एम्प्लॉयज के मॉरल को जो है डैमेज कर सकती है, उसके आत्मविश्वास को डैमेज कर सकती है, नष्ट कर सकती है. कुछ भी इंसिडेंट जो है वो उसका कारण ये है कि वो कल को कुछ भी एम्प्लॉयज का क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, मॉरल डैमेज कर सकती है. तो ये आएगा, ठीक है. अब देखो लेड इमोशंस क्या नहीं है, ले सकता है, ठीक है. अब हम कर रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद कंजंक्शन. कंजंक्शन होता है जॉइनिंग टू वर्ड्स. दो, पहली चीज कंजंक्शन होता क्या है, दो वर्ड्स को बीच में जोड़ने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम कंजंक्शन. तो वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे और डैश और इट रेन्स. मतलब वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे, ये श्योर है कि हम वेडनेसडे को जा रहे हैं, चाहे बारिश हो या ना हो, श्योरिटी है. पहली चीज वी आर लिविंग ऑन, यहाँ पे श्योरिटी दे दी गई है कि वी आर लिविंग ऑन. तो अगर उसके बाद अगर मगर अगर इफ और ये तो वर्ड्स आ ही नहीं सकते, तो इफ भी नहीं आएगा, थ्रू भी नहीं आएगा, सिंस भी नहीं आएगा. वी आर श्योर कि वी आर गोइंग, चाहे हो या ना हो. तो चाहे के लिए वर्ड क्या होगा, वेदर. सो बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. पे अटेंशन टू योर, तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो जिससे आप मिस्टेक्स ना कर सको, ठीक है, यानी आप मिस्टेक्स ना कर पाओ. तो अगर आपका अभी का काम है 17 को पेपर अटेम्प्ट करना, पटवारी का आपका मेन मोटिव है, इसका मतलब आपकी पूरी अटेंशन क्या है 17 के पेपर की. तो 17 के पेपर की अगर आपने अटेंशन प्रॉपर वर्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपसे वो पेपर छूट ना जाए, क्योंकि आपसे वो पेपर छूट ना जाए. इसका मतलब अनलेस, नहीं हो सकता, पे अटेंशन टू योर वर्क अनलेस हो चुका है. अनलेस मतलब नहीं, थ्रू ये भी नहीं होगा, अगर मतलब डिटर्मिनेशन है कि अगर तुम काम करोगे तो तुम उस चीज पे मिस्टेक्स नहीं कर पाओगे. तो कंफर्म दैट इज सो दैट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड. मतलब ये यहाँ पे आपको क्या भरना है, प्रेपोजिशन. यहाँ पे हम क्या भर रहे हैं, प्रेपोजिशन. द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड डैश ट्रेन. ये इवेंट हो चुका है, ट्रेवल्ड वो कर चुके हैं. तो इसमें ये नहीं, अगर होना होता तब श्योर होता कि हो सकता है इसमें जाएं, हो सकता है इसमें ना जाएं.
तो पहली चीज़ है ये इवेंट हो चुका है, फुटबॉल टीम जो है वो ट्रेवल कर चुकी है। तो अब हमने बताना है कि फुटबॉल टीम जो ट्रेवल कर रही थी वो कैसे गई थी, किसके द्वारा गई थी। तो द्वारा वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, बाय के लिए। सो फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इन ट्रेन नहीं, क्योंकि अगर उसने जाना होता तब हम ट्रेन इन, या कैसे जाएगी तो फ्रॉम, या चल रही है देन ऑन, तो ये कोई भी नहीं हो सकता, तो इसमें क्या आएगा, बाय। नेक्स्ट देखते हैं, ही टेक्स मच इंटरेस्ट डैश पेंटिंग लैंडस्केप्स फॉर ऑफ इन टू। मतलब क्या है कि ये जो आपका किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाना, समथिंग जिसमें आपको, कईयों को बुक्स लिखने में इंटरेस्ट होता है, कईयों को पेंटिंग में होता है, कईयों को कुकिंग में, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इन। फोर ऑफ टू जो है ये हमें डायरेक्शन पर्पस बता दिया, हम पर्पस के लिए नहीं कर रहे, इसमें हमें इंटरेस्ट है तब हम कर रहे हैं, जिस चीज में हमें इंटरेस्ट हो हम उसके लिए क्या यूज करें, ही टेक्स मच इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट इन पेंटिंग लैंडस्केप, सो इन विच वी आर टेकिंग सम इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट होगा वहां पे वर्ड क्या यूज होगा, इन। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम फोर ऑप्शंस, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको वर्ब बतानी है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, रवि हैज बीन डैश इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 years old, जब वो 5 साल का था तब से वो दिल्ली में रह रहा है, मतलब रहा है, रहा है में क्या आता है, आई एन जी, तो हैज बीन है, जहां पे वर्ड बीन यूज हो जाए तो वहां पे क्या आएगा, स्टेट, तो अगर यहाँ पे हैड होता, बीन नहीं लगा होता तो स्टेट होता, तो ये नहीं है, स्टेज प्रेजेंट है तो ये नहीं हो सकता, स्टे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाम के साथ हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या है, रवि हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस, जब वो 5 साल से था तब से वो दिल्ली में रह रहा है, अगर आप 5 साल के हो तब से आप कांगड़ा में रह रहे हो, तब से आप सिरमौर में रह रहे हो, तो यू आर या यू हैव बीन स्टेइंग इन कांगड़ा सिंस ही सिंस यू वर इन यू वर 5 years old। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। वॉट डैश यू बिजी यस्टरडे, फर्स्ट कई बार आपसे यही पूछ लेंगे, यस्टरडे क्या होता है, डे बिफोर यस्टरडे, ये क्या है, डे बिफोर टूडे, सॉरी आज से पहले, ठीक है, अगर कल होता तो टुमारो, यस्टरडे। अब देखो कीप्स, आज नहीं चल रहा, हो चुका है ये, मतलब चला गया है एक दिन पहले, तो कीप्स नहीं आएगा। विल जो है वो फ्यूचर, आने वाला है या आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इज कीपिंग, जो अभी हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है, ये कंटिन्यूस में चल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब आपको कौन सी चीज जो है, आपको पिछले कल आप किस चीज की वजह से बिजी थे, हो गया है मतलब पास्ट में चला गया, तो पास्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैप्ट। व्हाट कैप्ट यू बिजी यस्टरडे, याद रखना पास्ट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। फिल द करेक्ट ब्लैंक्स, मतलब आपने इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट, मतलब उसका पहला जो फेलियर है, अगर मान लो जिसने पहली बार पटवारी का पेपर दिया है वो आप दूसरी बार दे रहे हैं, तो आप जो है कि आपने पहली बार पेपर दे लिया तो आपको किसी ने रोक के नहीं रखा कि आप अब पेपर नहीं दोगे, मतलब आपकी विल है कि चाहे कितनी बार फेलियर मिले पर मुझे ये चीज़ जो है वो करनी है, यू आर डिटर्मिंड। सो इसके लिए क्या आएगा, होल्ड नहीं आ सकता, किसी ने रोका नहीं है, और चेक भी नहीं आएगा। ही हिज फर्स्ट फेलियर जो है डिड नॉट डिटर, डिटर का मतलब होता है रोक के रखना, किसी ने आपको प्रिवेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे डिटर जो है वो वर्ड आएगा, रोक के रखना, कोई चीज़ आपको रोक के रखती है, कई बार होता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, कोई चीज़ हमें रोक रही है, तो डिटर हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट डिटर हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर, कोई उसको रोक नहीं सकता कि वो अगला अटेम्प्ट ना करे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 alternatives, आपको इसमें से जो है सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, मतलब आपको जो है इसमें वर्ड डालना है, या आपको वन वर्ड दे दिया गया है, या डेफिनेशन आपने इसमें वन वर्ड डालना है कि ये किससे रिलेटेड है। अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग,
डेकोरेटिव हैंडराइटिंग किससे होती है, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं कैलीग्राफी, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड हैगियोग्राफी। पहले आप इनकी ऑप्शंस को समझ लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस होती है शिलालेख, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं पंडुलिपियाँ, ठीक है। तो अगर हैगियोग्राफी होती है, कोई सेंट जो है अगर अपनी बायोग्राफी लिखे उसको बोलते हैं हैगियोग्राफी। इंस्क्रिप्शन जो होती है दैट इज अ स्मॉल बिट ऑफ राइटिंग, शिलालेख किसी पे लिखा है, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन हो, तो इसका मतलब डेकोरेटिव में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो डेकोरेटिव अच्छी हैंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन द वॉल एज एन ऑर्नामेंट, मतलब एक फ्लैट मेटल प्लेट है जिसको वॉल्स पे एज ए ऑर्नामेंट हम लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेबलॉइड। टेबलॉइड नहीं हो सकता, पोस्टर होता है एक जरा सा कैलेंडर टाइप, पोस्टर लगाना, तो ये नहीं हो सकता। बोर्ड आपको दिख रहा है, ये ऐसा बोर्ड, तो ये भी नहीं है। तो आपके पास क्या बचा, राइट ऑप्शन इज प्लेक। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग्स निकालने हैं, ठीक है। पहला है पर्नीशियस, किस वर्ड के हैं, तो ये गलत है, ठीक है। पर नी, यहाँ पे है सी एस, पर्नीशियस ये नहीं है, ये दोनों आपके सेम हो गए हैं, तो हम इसको कर सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे पर नी सी एस, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पर नी सी एस, तो ये नहीं है। यहाँ पे स्पेलिंग देखो, पर नी सीओस है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पर्नियस, पर्नीसियस की स्पेलिंग कैसे बनाने हैं आपको, पर्नी सी ओस, तो ये क्या बन गया आपका, पर्नीसियस, ठीक है, पर्नीसियस, ठीक है। करेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, अब हमने इसका ये भी वर्ड आपको वर्ड्स दे दिए गए, अब आप इनके स्पेलिंग्स देखिए कैसे निकालते हैं स्पेलिंग्स, वो भी देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे है कॉन्फिडेंशियल, तो ये नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंशियल, तो ये भी नहीं वर्ड बना। कॉन्फिडेंटल, तो ये भी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है, तो ये क्या है, कॉन्फिडेंट, कैसे बना आपका स्पेलिंग, कॉन्फिडेंट ईयल, तो ये क्या बन गया आपका, कॉन्फिडेंशियल। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या है। बॉदर्ड, बॉदर्ड क्या होता है, बॉदर्ड का मतलब होता है किसी को बॉदर करना, या जैसे बोलते हैं गुस्सा आना, तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल है कि अगर हमें कोई परेशान कर रही है चीज़, तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं परेशान ना हो, शांत हो जा, यही वर्ड यूज़ करते हैं। तो बॉदर्ड में सिंपल वर्ड डिस्ट्रैक्ट, फोकस्ड, अनइंटरेस्टेड, ये नहीं हो सकते। कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, या आपको कई बार आपका मूड अच्छा नहीं है, अग्रेशन आ रहा है, तो हम यही बोलते हैं शांत हो जाओ। तो बॉदर्ड का मतलब क्या है, शांत। ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा इसका, शांत। डिनाउंस, डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस होता है किसी चीज़ को आप नहीं करना चाहते, तो एक्यूज, कंडेम एंड फेथ, ये नहीं हो सकते। तो आप अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती, फिर भी आप उसको मान रहे हो, दैट इज टू एक्सेप्ट, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द सिनोनिम्स, हैं ये आपके, ये क्या है, सिमिलर, जिनको आप बोलते हैं समानार्थक वर्ड्स, हिंदी में पढ़ते हैं ना हम समानार्थक वर्ड्स, वो हैं स्टंट, स्टंट। कई बार सिंपल सी चीज़ है, किसी को देखकर या रिजल्ट सुन के वी आर स्टंट। अगर आपका पटवारी का रिजल्ट निकलता है और ये पता चलता है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो यू आर स्टंट कि इतना रिजल्ट आया है, इतनी हाई मेरिट गई है, यू आर क्या हो गए, फेंटेड हो जाओगे, या प्लीज किसी के आगे प्लीज तो करोगे नहीं, और इंजर्ड हो जाओगे, ये तो नहीं होगा। वी आर सरप्राइज्ड, मतलब इतनी हाई मेरिट गया, स्टंट मतलब एकदम से शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना, तो ये और ये नहीं है। तो स्टंट का मतलब है सरप्राइज होना। गैलेंट्री, गैलेंट्री होता है विजेता, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन है मैवरिक, वेलर, कॉविडिस, फेयरफुलनेस, तो इसमें क्या आएगा,
मैवरिक क्यों नहीं आ सकता? मैवरिक का मतलब होता है हानिकारक, यानी आपका डेंजरस, जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है. कॉवर्डिस होता है डरपोक टाइप, फियरफुलनेस मतलब डर से भरा हुआ, तो ये नहीं हो सकते. विजेता मतलब गैलेंट्री अवार्ड जो है वो किसी वेलर को मिलता है, विजेता को मिलता है, तो वो बी इज द राइट ऑप्शन. सिनोनियम क्या आएगा उसका? वेलर. नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस और प्रोवर्ब बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन. ये दिया हुआ है आपको, इस प्रोवर्ब को फिल करना है. तो प्रोवर्ब क्या है? ये है बर्ड ऑफ बर्थ नहीं है, यहाँ पे आएगा बर्ड. बर्ड ऑफ फेदर, बर्ड ऑफ फेदर क्या करते हैं? लिव टुगेदर, साथ रहते हैं. ब्रीड टुगेदर, फ्लाई टुगेदर और फ्लॉक टुगेदर. तो ये जो है कि बर्ड्स ऑफ फेदर क्या करते हैं, तो बर्ड्स ऑफ फेदर जो हैं वो लिव इकट्ठे नहीं रहते हैं, ब्रीड टुगेदर नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? फ्लॉक. बर्ड्स का फ्लॉक जो है वो क्या आता है? फ्लॉक टुगेदर. डी इज द राइट ऑप्शन. बर्ड्स ऑफ फेदर, तो बर्ड्स ऑफ फेदर जहाँ पे बर्ड्स आते हैं ना, तो वहाँ पे वर्ड हम क्या यूज करते हैं? फ्लॉक. ये याद रखना, फ्लॉक वर्ड जो है वो यूज फॉर बर्ड्स, ठीक है, फड़फड़ाना जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकी ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला. ये वर्ड दिया गया, फ्रेज दिया गया. साइंटिस्ट जो हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो एकदम से रिजल्ट नहीं दे देते, उनको बहुत टाइम लगता है. तो इसका मतलब डंकी ईयर्स यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? शॉर्ट टाइम तो आएगा नहीं कि साइंटिस्ट ही है. अगर वर्ड ही साइंटिस्ट है, मतलब वो साइंटिस्ट तभी कहलाएगा जब वो अपनी डिस्कवरी को पूरा करेगा. तो शॉर्ट टाइम फॉर डंकीज नहीं है, फॉर फ्यूअर ईयर्स नहीं, इट्स फॉर लॉन्ग टाइम. कोई भी डिस्कवरी जो है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम होती है. तो यहाँ पे डंकी ईयर्स का मतलब है ए, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. विच टीम वॉन IPL 9 2016 में? IPL 9 किसने जीता था, ठीक है? तो उसमें है कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर हैदराबाद. इट्स हैदराबाद, ठीक है. तो कौन जीता था? वो था आपका सनराइजर हैदराबाद. ये आया कब था? वैसे तो ये 2007 में इसको अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2008 में IPL जो है वो खेले गए थे. और उस टाइम पे इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसका ये बोल सकते हैं माइंड सेटअप, माइंड गेम, वो थे ललित मोदी, जिन्होंने इस गेम पे वो लगाया. और ये हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट. अगर हम अब की बात, हो सकता है आपके पेपर में, पटवारी के पेपर में यही पूछें कि 2019 में कौन जीता है, वो है आपके मुंबई इंडियंस, ठीक है. मुंबई इंडियंस जीते हैं. किसको हराया है इन्होंने? चेन्नई सुपर किंग्स को. मुंबई इंडियंस किस से रिलेटेड है? रिलायंस से. और इसकी है कौन? वो मिसेस नीता अंबानी, ठीक है. और इसमें हम एक और चीज़ याद कर सकते हैं, जो विकेट है वो है मलिंगा आई थिंक, ठीक है. फिर उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम लॉन्च्ड 2015 बाय कीपिंग फीमेल फिटेसाइड. फीमेल फिटेसाइड जो है वो किस स्कीम से रिलेटेड है? वो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इससे रिलेटेड मैं आपको तीन लेटेस्ट जो हैं वो लिखवा रही हूँ आपकी स्कीम्स, तो वो याद कर लीजिए. एक है गृहिणी सुविधा योजना, ये हिमाचल की है. गृहिणी सुविधा योजना. उज्ज्वला स्कीम सुनी थी? ये है गृहिणी सुविधा योजना. ये क्या है? ये है आपकी गैस देना, गैस कनेक्शंस के लिए, ठीक है. जैसे आपकी उज्ज्वला स्कीम थी, ये हिमाचल में गृहिणी सुविधा योजना जो है वो गैस कनेक्शंस के लिए. एक और चीज़, अभी जो है एक सोलर पावर प्लांट बना है, ये रीसेंट है स्टूडेंट्स. सोलर पावर प्लांट की उद्घाटन जो है वो जयराम ठाकुर ने किया है. इसका नाम है बैरी डी. मैं ये आपको लिखवा रही हूँ, बैरी डी, ठीक है. एक और लिख लीजिए, अभी जो इन्वेस्टमेंट टारगेट, यानी आपकी जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, हुई है 7 और 8, उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है? यमी गौतम, ठीक है. और इसमें कितना खर्चा बताया गया है? 85,000 करोड़. एक और लिख लीजिए. एक है ऑनलाइन जो है ड्रग के लिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की है, टोल फ्री नंबर, वो है 1908. और एक और है 1100.
जो है वो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जयराम ठाकुर के जो ऑनलाइन ऐप है, एक ये नंबर भी याद कर लीजिए, 11 टोल फ्री नंबर है, दैट इज़ टू कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप इस 1100 नंबर पे जो है वो कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एक और चीज़ इसमें एक और क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, एक है मुख्यमंत्री आजीविका या स्वावलंबन जो है उसमें जो एज है वो है आपकी 45, स्वावलंबन योजना, उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लड़का या लड़की वो क्या कर सकता है, अगर उसको अपना बिजनेस खोलना है, लोन ले सकता है, उसको बोलते हैं हम स्वावलंबन योजना, ये है। और एक क्वेश्चन जो लेटेस्ट है वो है बायोजियोग्राफिक रीजन्स में या बायोजियोग्राफिकल इंडिकेटर्स किसको बोला गया है, काला जीरा, और ये होता कहाँ पे है आपका, किन्नौर में, तो ये याद रखना है। ये आपको मैंने रिसेंट अपडेट्स दिए हैं क्योंकि बेटी बचाओ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अभी आपको मैंने एक और क्वेश्चन याद रखना, अभी जो पेपर में आया है कल, RTI एक्ट 2005 में बना है, हु एड्रेसेस जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो हमारे इस टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद। अगर प्रिजाइड करना है, ठीक है, उस सेशन को जो प्रिजाइड करता है वो कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, LS, और स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है इस टाइम पे, ओम बिरला। और अगर हिमाचल की बात करें तो इट इज राजीव बिंदल, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मिस्टर हंसराज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऐसे ही याद कर लीजिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लोकसभा स्पीकर, विच ऑफ द पीरियोडिकल विंड्स जो हैं फ्रॉम सी टू लैंड वो क्या, समर मानसून करते, जब हवाएं समुंदर से आपकी लैंड की तरफ चलती हैं तो उस टाइम पे जो है कौन क्या आते हैं, वो आते हैं समर मानसून्स। पहले मानसून्स कहाँ पे आते हैं, केरला में, जून में जब आते हैं। तो जो आपके समर मानसून्स हैं वो कहाँ से चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, नॉर्थ से ईस्ट तक को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून्स, विंटर मानसून्स। साउथ नॉर्थ नहीं, ये कौन से हैं आपके, साउथ वेस्ट मानसून्स। तो ये याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेंगे जो आपके साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो क्या लाती हैं, समर मानसून्स। रिट्रीटिंग मानसून्स किसको बोला जाता है, जब नॉर्थ से ईस्ट, तो सबसे ज़्यादा जब नॉर्थ ईस्ट से हवाएं चलती हैं वापस, तो कौन सा सीज़न आता है, अब कौन सा सीज़न चल रहा है हमारा, विंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस इज एसोसिएटेड विद, मैत्री जो रेलवे है वो किसके साथ है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहली चीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए हमारी कौन सी एक्सप्रेस थी, समझौता, कहाँ से चलती है, दिल्ली अटारी अमृतसर, समझौता एक्सप्रेस किसके लिए, इंडिया टू पाकिस्तान, जो बेसिकली अटारी और अमृतसर की है, ठीक है। एंड जो आपकी इंडिया से बांग्लादेश जो चलती है वो है आपकी मैत्री एक्सप्रेस। दूसरा, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल, जो डेंसिटी है वाटर की वो डेंसिटी ऑफ केरोसिन से जो है वो ज़्यादा होती है, फिर भी इफ टू आर मिक्स्ड क्या होगा, वाटर फ्लोट्स ऑन केरोसिन, केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर, केरोसिन डिजॉल्व्स इन वाटर, दे मिक्स यूनिफॉर्मली। इसको हम प्रैक्टिकली घर पे रोज करते हैं, अगर पानी के ऊपर तेल गिर गया तो क्या होता है, क्या वो मिक्स होता है, नहीं, क्या तेल नीचे बैठ जाता है, नहीं, क्या होता है, पानी के ऊपर जो तेल की परत है वो ऊपर आ जाती है, तो इसमें क्या होगा, केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर, दैट इज़ योर बी ऑप्शन। इसमें मैं आपको तीन करंट अफेयर्स लिखवा रही हूँ, पहली, सेकेंड स्टेट हिमाचल स्टेट की सेकेंड लैंग्वेज कौन सी बनी है, संस्कृत, ठीक है, ये बनी है। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, हो सकता है कि आए, एक आर्टिकल था 370, वो किससे रिलेटेड था, 370 से, जम्मू एंड कश्मीर से। एक और आर्टिकल है 371, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, और हिमाचल प्रदेश में ये है,
कि कोई भी नॉन हिमाचली जो है वो हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 371, नॉन हिमाचली जो है डज नॉट टेक पार्ट और डज नॉट टेक या ओन लैंड और एग्रीकल्चर लैंड इन हिमाचल प्रदेश, वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 371। एक और चीज़ जो आपको मैंने लिखवाया था, सोलर प्लांट वो कहाँ पे बन रहा है, वो बिलासपुर में बन रहा है। एक और है आपकी ड्रग फ्री मैंने आपको लिखवा दी। एक आपको एकलव्य स्कूल्स, हिमाचल में एकलव्य स्कूल्स कितने हैं ये भी याद कर लीजिए। एकलव्य स्कूल्स जो हैं हिमाचल में वो हैं 3, ठीक है ये। और जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एक तो आया था कि नेशनल फ्लैग एचपी टैट में आया है, आरटीआई एक्ट आया है, बर्मा से इंडिया और बर्मा कब अलग हुआ था, बर्मा कब अलग हुआ था इंडिया से, वो आया है आपने पढ़ा है 1937 में, ठीक है ये भी हमने क्वेश्चन किया था। एक और क्वेश्चन आया था झांझर वाला आया है, राज्यसभा वाले भी आए, और जितने क्वेश्चंस होंगे, ये पटवारी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अगर वो हमारे आज वेनसडे है, आई थिंक वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे तक जितने क्वेश्चंस हैं आपके लिए मॉक टेस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस लाई जाएगी, और इनको ज़रूर देखें, मे बी कि कोई क्वेश्चन आपको स्ट्राइक कर जाए और जो हमने इसके साथ डिटेल्स दी हैं वो आपके काम आ जाएं। आई होप कि आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना फीडबैक दीजिए, आपको क्या चाहिए वो भी, इसके साथ आपको इंग्लिश का भी साइड बाय साइड जो पिछले पेपर्स में आया है वो भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आई होप कि यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ जो भी फीडबैक्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन पर देखें, और सबसे बड़ी चीज़ डू प्रैक्टिस, ओनली 4 days आर लेफ्ट, 4 days भी मत मान के चलिए, 3 days हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना, और जितना आपने, इतना है मुझे इतना भरोसा है कि हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गेट बनो पटवारी और हमारे नेशन का या हमारे हिमाचल का उत्थान कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।